तो मैंगो के सीजन में मैंगो की अलग अलग तरीके की रेसिपी तो हम जरूर ट्राई करते रहते हैं। तो आज बिल्कुल आसान तरीके से झटपट बनने वाली मैंगो की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। कम से कम चीजों में आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं, एकदम सॉफ्ट और स्पंजी और स्वादिष्ट, इतना बच्चे या बड़े सभी को पसंद आने वाला है। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक आम लेना है, तो एक आम इसमें काफी है। आप चाहे तो देखिए इसी में काफी बन जाएगा, वैसे ज्यादा आम की जरूरत नहीं है। तो आम को बस ऐसे छीलकर इसके नॉर्मल पीसेज कट करेंगे, और इसे आप चाहे तो देखिए अलग अलग तरीके से बनाकर, मतलब शेप में अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, मोल्ड और सांचे से, या फिर बिना किसी मोल्ड और सांचे के जैसे। तो यहाँ पर दो तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी। तो आम के देखिए ऐसे पीसेज कट कर लिए, 1 कप में आम हो गया समझ सकते हैं। अब यहाँ पर 1 कप ही मैंने सूजी ली है, और सूजी जैसी भी आपकी है बस आपको एक काम करना है। तो यहाँ पर मेरी सूजी वैसे मोटी है, मोटी नहीं है तब भी आप अगर पीस लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर सूजी को पहले थोड़ा अच्छे से पीस लेंगे, क्योंकि सूजी में थोड़े दाने ज़्यादा सख्त रहते हैं, तो वो ज़्यादा देर तक मतलब पीसने में टाइम लगता है। तो अच्छे से पीस कर एक पाउडर सा तैयार करें, और एकदम बारीक जब भी नहीं होगा, थोड़ा दानेदारी रहेगा। अभी इसके अंदर डाल देंगे आम जो हमने कट करके रखे थे, और 1 कप से मतलब 1/2 कप मैंने चीनी ली है, 1 कप मैंने दूध लिया है ठंडा, और 3 से 4 चम्मच इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो रोटी बनाते हैं वही आटा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, 2 से 3 चम्मच डाल देंगे बस, ज़्यादा नहीं, मैंने 2 चम्मच ही डाला है, थोड़ा सा पानी। और इसको अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर लेंगे, थोड़ा अच्छे से ये मिक्स भी हो जाएगा, सूजी भी अच्छे से इसके अंदर और अच्छे से पिस जाएगी देखिए। और आम का ही फ्लेवर काफ़ी अच्छा आ जाता है, इसमें कलर भी आ जाता है, कोई कलर की वैसे ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप डाल सकते हैं। और अभी आपको देख रहे होंगे बैटर थोड़ा सा पतला सा दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा बाद में थिक भी हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको निकाल लेते हैं बड़े से बर्तन के अंदर, और सूजी से बना रहे ना तो थोड़ा सा ये थिक होगा, और ज़्यादा मतलब स्वादिष्ट बहुत बनता है। हेल्दी तरीके से आप ऐसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इसको ढक कर रख देंगे कुछ देर के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने अप्पे मोड़ लिया है, तो इसी के अंदर मैं बना रही हूँ, तो इसमें थोड़ा जल्दी बन जाते हैं, छोटे छोटे साइज के बहुत ज़्यादा एकदम अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर बैटर को मैंने 10 से 15 मिनट ही रखा है, आप चाहे तो 1 से 2 घंटे भी रख सकते हैं, तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। हल्का सा आपको थिक लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि पहले हमने सूजी को पीस कर लिया था। अब 1 चम्मच के आसपास यहाँ पर बेकिंग पाउडर डाल देंगे, और 1/4 चम्मच यहाँ पर बेकिंग सोडा, तो इतना आपको डालना होगा, और इसको मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा आप दोनों ही डालेंगे तो अच्छा बनेगा। थोड़ा बेकिंग पाउडर अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक्सपायर डेट हो तो अच्छे से फूलता नहीं है, कभी भी बेकिंग पाउडर मतलब खुला नहीं होना चाहिए तो सही रहता है ऐसे। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने एक कढ़ाई रख दिया, अब इसके अंदर रख देंगे जो हमने अप्पे मोड़ लिया है, तो इसको मैं इसके अंदर ऐसे ही रख रही हूँ, तो कुछ रखने की जरूरत नहीं, हल्का सा हाइट पर ही है ऊपर देखेंगे तो। अब सभी के अंदर थोड़ा थोड़ा बैटर डाल देंगे, और यहाँ पर आप देख सकते बैटर मैंने बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखा है, क्योंकि एकदम अच्छा से बनता है ऐसे बैटर रखते हैं तो। बहुत ज़्यादा टाइट बैटर रखे थे तो थोड़ा फट भी जाता है, मतलब दरार सी पड़ जाती है। तो इसमें डालने के बाद ऊपर से चाहे तो थोड़े ड्राई फ्रूट ऐसे ही काजू बादाम पिस्ता डाल सकते हैं। अब इसको ढककर हम यहाँ पर बेक करेंगे, गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, और कितना समय लगेगा वो मैं बताऊंगी। तो दूसरा मैं इस कटोरी के अंदर डाल रही हूँ सभी के अंदर, पहले मैंने ऑयल से ग्रीस किया उसके बाद बैटर डाल दिया। तो यहाँ पर थोड़ा हम खाली रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा फूल जाता है बाद में। अब इसको यहाँ पर देखिए मैं कुकर के अंदर रख रही हूँ, तो कुकर के अंदर भी अगर आप ऐसे बनाते हैं ना तो जल्दी भी बनता है और एकदम अच्छा बनता है, ऊपर से भी अच्छा से कलर आता है कुकर में ऐसे बनाएंगे तो। नीचे कोई स्टैंड कटोरी ऐसे रख सकते हैं, मैंने ऐसे स्टैंड रख दिया ऊपर से ड्राई फ्रूट। अब इसको भी हम कवर कर देंगे, सीटी जो है वो निकाल देंगे, और बस ऐसे ही इसको ढक देंगे, ज़्यादा बंद नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अभी मैं दिखा देती हूँ जो मैंने कढ़ाई के अंदर रखे थे, तो यहाँ पर इसको 15 मिनट का समय लगभग हो गया है। तो ये थोड़े छोटे साइज के हैं ना, तो देखिए काफ़ी फूल गए, मतलब ज़्यादा बैटर नहीं था तो जल्दी बन जाते, वैसे 20 से 25 मिनट का समय भी लग जाता है अगर आप बड़े साइज में बना रहे हैं तो। और एकदम सॉफ्ट और स्पंजी देखिए कितना अच्छे से फूल चुका है, अभी मैं निकाल कर आपको दिखा देती हूँ। और बिल्कुल छोटे छोटे साइज में हमने मतलब बनाए थे, और काफ़ी अच्छे से ये मतलब बैटर थोड़ा ज़्यादा ही फूल जाता है, आप चाहे थोड़ा कम बैटर भी डाल सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे से मतलब ये बने हैं, बेक हो गए हैं, नीचे से भी अच्छा सा ब्राउन कलर भी दिख रहा है, और सॉफ्ट और एकदम स्पंजी है। तो मतलब ये अच्छे से यहाँ पर बेक हो चुके हैं और एकदम जालीदार बने हैं, अगर आपके ऐसे सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं। अब इसके बाद हम दिखा देते हैं कुकर वाला भी, हम चेक कर लेते हैं। तो इसको देखिए मैंने यहाँ पर 20 से 22 मिनट के लिए बेक किया है, थोड़ा ज़्यादा समय दिया है क्योंकि ये थोड़ा बैटर ज़्यादा था कटोरी के अंदर, और काफ़ी अच्छे से फूल चुका है आप देख सकते हैं। अब इसको निकाल लेंगे,
और एकदम अच्छा बन जाता है ऐसे कटोरी में बनाए या पेपर कप में या फिर ऐसे अप्पे मोल्ड के अंदर। तो छोटे छोटे साइज के बनाने हो तो अप्पे मोल्ड के अंदर आप बना सकते हैं कटोरी के अंदर, और एकदम गर्म है अभी, आपको भाप भी दिखाई दे रहा होगा। तो मैं इसे तुरंत ही दिखा रही हूँ थोड़ा जल्दी में, अगर आप ठंडा करके इसे निकालेंगे ना तो और भी ज़्यादा आपको एकदम स्पंजी दिखाई देगा। तो अभी एकदम गर्म है मैं निकाल रही हूँ, तो अब इसको मैं दिखा देती हूँ, एकदम जालीदार और स्पंजी बना है। तो बिल्कुल आसानी से ऐसे सूजी से आप बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बच्चों के लिए घर पर हेल्दी तरीके से केक, ऐसे बिना ओवन बिना बटर बिना किसी ज़्यादा सामग्री के कम से कम चीज़ों में ऐसे मैंगो फ्लेवर का एकदम सॉफ्ट स्पंजी आप ट्राई ज़रूर करना, आपको ये पसंद बहुत आने वाला है। छोटे छोटे साइज के केक और अप्पे मोल्ड में तो एकदम जल्दी से बन जाते हैं, ज़्यादा समय भी नहीं लगता, और आप देख सकते हैं एकदम जालीदार बने हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं, स्वादिष्ट तो बहुत ही बनते हैं, आपको पसंद बहुत आने वाले हैं। तो घर पर बच्चों के लिए हेल्दी तरीके से ऐसे आप केक बना सकते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूले, आप ट्राई करना, आपको ये तरीका बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, आसानी से आप बना सकते हैं। आप चाहे तो इसे पैन केक भी बना सकते हैं ऐसे, तो देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना जो हमने कटोरी के अंदर बनाया है, तो बिल्कुल आसानी से बन जाता है। बस ऐसे अच्छे से बेक करें बिना मतलब ओवन के भी, देखिए एकदम जालीदार, और ज़्यादा सामग्री का इस्तेमाल हमने कुछ नहीं किया है, सूजी से भी इतना सॉफ्ट और स्पंजी बनाया है। तो सूजी को आप पीस कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए जल्द मिलते हैं और नई वीडियो के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।